अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम फ़हीम है। गाइस आज हम आपको दिखाएंगे कि इटालियन टाइप पिस्टल के ऊपर इटली स्टाइल पिस्टल के अंदर फायरिंग पिन कैसे डलेगी। इसकी फायरिंग पिन टूट गई है, फायरिंग पिन इसके अंदर है नहीं, ठीक है। फायरिंग पिन इसमें नहीं है गाइस, इसके अंदर हम फायरिंग पिन डालेंगे। गाइस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। तो गाइस चलते हैं आगे, इसकी फायरिंग पिन डालते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं फायरिंग पिन डाल के किस तरीके से काम करती है। ये इस तरीके से खुलता है, इस साइड में एक पिन होती है, इस पिन को आप जो है इस तरीके से जो है निकाल दें। उसके बाद जो है इसको लॉक को आप घुमाएँ, ठीक है, ये लॉक हो गया। उसके बाद जो है बैरल को आपने इस तरीके से मारा और जो है इस तरीके से आपने ये खुल गया। ठीक है गाइस, जिसका लीवर होता है ये इधर लगा हुआ होता है, ठीक है, हमने खोल दिया। अब जो है सबसे पहले हम इसका निकालेंगे इजेक्टर। इजेक्टर का स्प्रिंग, फायरिंग पिन इसके अंदर नहीं है, हम इसके अंदर नई फायरिंग पिन डालेंगे। ये फायरिंग पिन हम इसकी बनाएंगे इस लोहे की, ठीक है गाइस, इसकी हम फायरिंग पिन बनाकर डालेंगे इसके अंदर। गाइस ये मैंने काट लिया, अब गाइस आगे आगे देखें हम क्या करते हैं।
का है मैगजीन? क्या कर रहा है? तो गाइस ये मैंने बना दी फायरिंग पिन इसकी, ठीक है। अब रह गया इसका खांचा निकालना फायरिंग पिन का। तो अब सबसे पहले हम इसको इसके अंदर डालेंगे। ये इसके अंदर पूरी बैठ गई, इसको जो इतना हमें बाहर रखना है, इतना हमें बाहर रखना है इसको, ठीक है। इतना बाहर रखने के बाद गाइस हम लेंगे वाइटो, और वाइटो लगाएंगे हम इसके इजेक्टर के इस टक्कर पे। इस जगह पे हमने लगा दिया वाइटो। वाइटो लगाने के बाद गाइस इसको हम ऐसे दबा देंगे, ऐसे दबाने के बाद वापसी निकाल लेंगे। यह निशान आ गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर निकालेंगे खांचा। अब इसको जो है हम इसके अंदर डालेंगे। तो गाइस कैसी मूवमेंट दे रही है ये देखिए, ये इतना बाहर आ गया, ठीक है, और जो है ये इतना चला गया, ठीक है। अब जो है आगे हम क्या करेंगे ये भी दिखाते हैं आपको। अब जो है हमने इजेक्टर इसका लगा दिया गाइस। अब हम लेंगे ब्लू मार्कर, यहाँ लगा देंगे टिक, और इसको यहाँ से उड़ा देंगे। Thank you.
गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया ना अगर आप नहीं नहीं हमारे अगर देखे फायरिंग पिन इसकी बना दी है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लगाने लगा हूँ, पकड़ देखिए फायरिंग पिन बनाई है, ठीक है, अंदाजे से, क्योंकि मैं एक आर्मोरर हूँ, असली की रिपेयरिंग करता हूँ, मुझे अंदाज़ा है कौन सी चीज़ किस तरीके से बनेगी गाइस। तो अब मैं इसको फिट करूँगा और आपको फायर करके दिखाऊँगा, ओके गाइस। तो गाइस अब हम इसको फिट कर रहे हैं, ये फायरिंग पिन हमने बना दिए। इजेक्टर का स्प्रिंग लगा दिया, इसको आप हल्का सा पुश करें इस तरीके से और ये बैठ जाएगा। ओके हो गया गाइस, फायरिंग पिन कैसी काम कर रही है। तो अब हम इसको फिट करेंगे गाइस और अब आपको जो है हम इसको फायर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से फायर कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप जो है इसको ऐसे कर दें पीछे, इसकी रॉड डाल के, उसके बाद जो है गाइस उसके बाद गाइस इसकी बैरल डाल दें आप इसके अंदर इस तरीके से, इस तरीके से करके आप इसको ऐसे कर दें, लॉक को नीचे कर दें, इसको ऐसे लॉक को घुमा दें, उसके बाद जो है आप इसकी पिन लगा दें। हाँ भाई साहब इसको फायर करेंगे, हाँ भाई साहब इसको हम जो है तीन फायर करेंगे, आपको चेक कराएंगे तीन फायर करके, ठीक है गाइस। इसको हम फायर करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम इसको फायर करेंगे, ठीक है, रेडी फायर है। ओके हो गया गाइस, गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस इसको हमने चेक कर लिया फायरिंग पिन को, सही हो गया गाइस। इसकी चोट देख ले सेंटर में और जो है कितनी एक्यूरेट लगी है, ज़बरदस्त फायरिंग पिन बना दी है इसकी हमने, इंशाल्लाह जो ये अब सही चलता रहेगा पिस्टल। तो गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा गाइस, ठीक है।
अगर कोई सवाल मुझसे कमेंट में आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, तो जो है इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए इतना ही गाइस, अल्लाह हाफिज़।